रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, मैं बस एक ही चीज आपको बोल रहा हूं, आप कितना ही रोते रहो मुझसे चैप्टर बनेगा कि नहीं बनेगा सर, मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगा, तो मुझसे ये नहीं होगा, आपकी समस्या है, आपका भविष्य है, आपको सिलेक्शन लेना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अच्छे मन से अच्छे बच्चे की तरह सीखने के लिए काम करोगे, अच्छे से सीखने पे ध्यान लगाओगे, चीजें बन जाएंगी। हर चीज का एक तरीका होता है। जिस तरीके से मैथ्स में आपको पढ़ा रहा हूं, मैथ्स बहुत अच्छा विषय है, लेकिन जिसने इसके पहले कभी आपको पढ़ाया उसका तरीका गलत था, तो गलत तरीके से सही चीज भी गलत लगने लगती है। तो हमारे दिमाग में बैठ क्या गया कि मैथ्स बहुत गंदा विषय, बहुत बेकार विषय। मैथ्स बेकार नहीं था, उसका तरीका गलत था। अब जब आप पढ़ रहे हो तो आपको तरीके में बदलाव मिला, विषय वही है, चीजें वही है, बस तरीके में चेंज आया, तो विषय आपको पसंद आने लगेगा। और सिलेक्शन तो लेना है, सपना आपका है, पूरा आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो एक तरीका होता है रोते रोते पढ़ाई करना, एक होता है हंसते मुस्कुराते पढ़ना, है ना, खुश रह के पढ़ो, आनंद लो किसी चीज का, सीखने पे ध्यान लगाओ, खुद से कहो कि नहीं यार मैं इस चैप्टर को सीख सकता हूं, मैं इस चैप्टर को अच्छा कर सकता हूं या कर सकती हूं। इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो आपसे चीजें बनेंगी, है ना। नेगेटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे, उल्टा उल्टा सोचोगे, गलत गलत सोचोगे, अपने आप को मूर्ख मान के पढ़ाई करोगे तो आप मूर्ख ही बन जाओगे, है ना। अपने आप को समझदार मान के पढ़ोगे, अपने आप से कहोगे कि नहीं यार तू कर सकता है, आई कैन डू इट, तो चीजें बनेंगी आपसे। क्यों हम बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, इतना तो समझते हो ना। और कई लोग बोलते हैं सर नहीं, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहो, नेगेटिव लोगों की बातें सुनो, आपके ऊपर उनका असर पड़ेगा, आपको भी वो सोचने पे मजबूर कर देंगे, शब्दों में इतनी ताकत होती है ना। मक्के का बीज लगाने पे एप्पल नहीं उगेगी, है ना। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही दिमाग में घूमेगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही चलेगा, जैसा सोचोगे वैसा आपके खून में बहेगा। तो ये मत सोचो कि हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो सुनते हैं उसका असर नहीं पड़ता, पड़ता है, आपकी रगों में बहने लगता है। इसलिए अच्छा सोचो, खुश रह के, मतलब अपने आप को ना टेंशन फ्री करो, रिलैक्स करो, है ना। जो बहुत सारे रेल के डब्बे जैसे 100-200 डब्बे का बोझ लेके जो तुम बढ़ रहे हो, रिलैक्स रहो, खुश रह के पढ़ोगे, मुस्कुरा के पढ़ोगे, आनंद लेके पढ़ोगे, तभी सिलेक्शन होगा। रोते रोते मजबूरी में, है ना, गांव में बोलते हैं झीकते हुए पढ़ना कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होना है, है ना। आपने एक लाइन सुनी भी होगी कि अगर असफलता मिल रही है या आपने कोई काम किया और आप असफल हुए, तो अपना लक्ष्य मत बदलो, अपना तरीका बदलो। लक्ष्य नहीं बदलना है हमें, तरीका बदलना है। तरीका हमें ढूंढना है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाए, उसमें लक्ष्य की, अपने टारगेट की गलती नहीं है। भाई आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने का एक रास्ता है, आप दिल्ली के लिए निकल गए हैदराबाद तरफ, साउथ में आप मुड़ गए, तो आपका रास्ता गलत है ना, उसमें दिल्ली की गलती नहीं है। दिल्ली तो जहां है वही है, तो कहीं जाना है तो अपना रास्ता बदलो, लक्ष्य मत बदलो, तरीका बदलो। कोई चीज नहीं आती है उसके लिए अपनी प्रोसेस सोचो कि यार क्या तरीका मैं बनाऊं कि मैं इसको सीखूं, है ना। पॉजिटिव सोचो, सीखना तो है, उसमें आपको एक्सपर्ट तो बनना है, तो तरीका ढूंढो। रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा, वैसे ही 17-18-20 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे सिलेक्शन से किसी और को, आप और आपके घर वालों के अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, सत्य बता रहा हूं मैं, है ना। सरकार को 6-7 हजार लोग ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है 20 लाख लोगों में से, उन्हें वो मिल जाएंगे। चिंता इस बात की करो कि तुम 6-7 हजार लोगों में आओगे कि नहीं आओगे। इसलिए मैं फिर से कहूंगा, मैंने आज तक एक ही चीज कही है, कभी शिकायत मत करो। मैं आज तक किसी चीज के लिए रोया नहीं हूं, ना किसी चीज की शिकायत करी कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं ये चीज मुझे पहले मिल जाती तो अच्छा होता। कुछ नहीं होता यार, हासिल करना सीखो। जिस इंसान को खुद के ऊपर भरोसा होता है ना कि नहीं ठीक है नहीं है लेकिन मेहनत करके कमा लेंगे, वो व्यक्ति हमेशा खुश मिलेगा। जो है वो तो हो गया, जहां पैदा होना था हो गए, अब तो ये सोचो कि मेहनत करके यहां से कैसे निकलना है, सफल कैसे होना है। रोना बंद करो, शिकायतें बंद करो, पॉजिटिव सोचो, खुद के दम पे हासिल करना सीखो। ऊपर वाले से ये दुआ मत करा करो कि मुझे सब बिना मेहनत के मिल जाए, कुछ नहीं देगा तुम्हें कोई भी, मेहनत करना पड़ेगी और हासिल करना पड़ेगा, यही जीवन का उसूल है।